योगी सरकार की असंवेदनशील मऊ पुलिस। रेप पीड़िता की पुलिस ने नहीं दर्ज की शिकायत। पत्नी को न्याय दिलाने के लिए पति ने साफ की थानाध्यक्ष की गाड़ी। फिर भी नहीं मिला न्याय तो पति गिरा सांसद के पैरों में। सांसद ने दिया न्याय दिलाने का भरोसा। उनका पैर देखा यहाँ तक कि मैं उनकी गाड़ी तक साफ कर दिया। इतना कोई करता है क्या? इतना वो लोग नीचे गिरा दिए मुझे कि कोई ठिकाना नहीं। देखो इंसान तो मगर कहीं कुछ नहीं को बोलता था बोलते थे तू जा कुछ नहीं होगा जा तू कुछ नहीं। पुलिस वाले आते हैं इनको बोलते हैं तू अपने पति को समझाती नहीं। तू कहीं भी जाएगी किसी भी दुनिया में जाएगी तो मेरे पास ही आएगी। क्या साफ नहीं? मैं बोला सर कि मेरे को जरा साहब से बात करा दीजिए मेरे को जब। तो एक उनका ड्राइवर है तो बोला कि थोड़ा तब तक ले साहब बात कर रहे हो गाड़ी साफ कर दो। हमने गाड़ी भी साफ कर दिया। इस रोते बिलखते व्यक्ति की बातें सुनने के बाद आपका असंवेदनशील मऊ पुलिस से भरोसा उठ जाएगा। ये वही मऊ पुलिस है जो कभी फरियादियों से जूते साफ कराती है तो कभी फरियादियों को थाने से भगा देती है। पूरा मामला मऊ जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के खीरी कोठी गांव का है, जहां एक नवविवाहिता अपने घर के बाहर काम कर रही थी कि चार पहिया वाहन से आए दो युवक महिला को किडनैप कर फरार हो गए। दोनों युवक महिला को गाजियाबाद ले गए और वहां पर 6 दिनों तक बलात्कार करते रहे। किसी तरह महिला उन दोनों युवकों के चंगुल से बच निकली और अपने घर पहुंचकर परिवार और पति से आप बीती बताई। फिर क्या था, पति आनन फानन में अपनी पत्नी को लेकर थाने पहुंचा और मुकदमा दर्ज कराना चाहा, तो वहां के दरोगा और सिपाही ने थाने की गाड़ी साफ कराई। बावजूद इसके पुलिस मुकदमा दर्ज करने में आनाकानी करती रही, लेकिन पीड़िता के पति ने थाना अध्यक्ष के पैर पकड़कर मिन्नतें की तो पुलिस ने रेप की जगह मारपीट का मुकदमा दर्ज कर कोरम पूरा कर लिया। सर कुछ लोग आए मेरे घर पे और मैं घर पे काम कर रही थी और मुझे लेकर भी चले गए। वो लोग मेरे मुंह को बंद कर दिए और मुझे लेकर चले गए और मुझे ले जाकर के गाजियाबाद में रखे हुए थे और मेरे साथ में बलात्कार भी किया। सर वहाँ से भाग कर आए तो हम अपने घर वालों को बताए। मेरे घर वाले सब लोग परेशान थे 6 दिन से और फिर हम अपने पति को बताएं अपने घर अपने मायके में बताएं। तो सर फिर थाने में गए तो पुलिस वालों लोग से बोले वो लोग हम लोग की सुनवाई नहीं कर रहे। पीड़िता के पति ने कहा कि इस मामले में मधुबन पुलिस का रवैया असंवेदनशील था। पति की माने तो उसने अपनी पत्नी को न्याय दिलाने के लिए मधुबन थाना अध्यक्ष के पैर भी पकड़े, लेकिन योगी राज में पुलिस रेप के आरोपियों को बचाने में लगी हुई है। बता दें कि पीड़िता के पास उस बलात्कारी युवक की फोटो भी है। बावजूद इसके पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी करने के बजाय मुकदमा वापस लेने की धमकी दे रही है। ये बता रही है कि 6 दिन तक हमको लेके गया अपने कमरे में रखा था, मेरे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार कर रहा, मेरा वीडियो भी बनाया और फोटो भी लिया था। ये बता रही है कि बलात्कार किया है। 2 स्टार सर आए थे और हमारी मिसेस से यही बात कर रहे हैं कि तुम जितेंद्र मौर्या को समझाओ और केस वापस ले लो नहीं तो तुम लोग सारे लोग फंसोगे। योगी सरकार की पुलिस से न्याय नहीं मिलता देख रेप पीड़िता का पति मोदी के सांसद के पास पहुंचा और सांसद जी के पैरों में गिरकर अपनी आपबीती सुनाई। पीड़ित की व्यथा सुनकर सांसद ने न्याय का भरोसा दिलाया और कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होगी और महिला को जरूर न्याय मिलेगा। आप वो कह रहा है क्या सही कह रहा है क्या गलत कह रहा है बाकी उसका भी जांच कराया जाएगा। अगर सही होगा तो दंडित किए जाएंगे लोग संबंधित अधिकारी। अभी अभी कुछ लोग हैं इस किस्म के लोग उनको हम लोग सर्वे करा रहे हैं। मेरे कार्यकर्ता सर्वे करा रहे हैं और प्रकाश में आएगा तो उनको दंड दिया जाएगा, निश्चित दंड दिया जाएगा, उसको न्याय मिलेगा। प्रदेश में भाजपा को लोगों ने इस उम्मीद से चुना था कि प्रदेश में कानून का राज होगा और सबको न्याय मिल सकेगा, लेकिन आए दिन जिस तरीके की तस्वीरें यूपी के थानों से आ रही हैं वो बेहद शर्मनाक है। ऐसे में प्रदेश में कैसे लोगों को न्याय मिलेगा, बड़ा सवाल है। मऊ से जाहिद इमाम की रिपोर्ट।